हरे कृष्ण दोस्तों, संगीत अभ्यास ध्वनि प्रधान अभ्यास है, शब्द प्रधान नहीं। ध्वनि के उतार चढ़ाव को समझना, शब्द या उसके अर्थ को नहीं। संगीत साधना को कान ही समझ सकते हैं और इसीलिए अपूर्व यश म्यूजिक जिम के अभ्यास को हमने प्रोमिनेंटली ध्वनि की समझ अच्छी हो इस पर ध्यान दिया है। हमारे प्रयास में इस चैनल पर हर सुबह सुरों को पहचानने का वीडियो अपलोड किया जाता है। किसी पॉपुलर गाने के सरगम पैच में जो स्वर होते हैं उनमें से किसी एक स्वर का कितनी बार उच्चार किया गया है ये आपसे पूछा जाता है। इस पर आपका उत्तर सही होने के लिए आपको वो गाना बड़े केयरफुली सुनना पड़ता है। ये आपके संगीत समझने के वीडियोस बड़े दिलचस्प बनाए जाते हैं ताकि संगीत अभ्यास की रुचि आपकी बनी रहे, बढ़ती रहे। इस वीडियो में दिए गए गाने के सरगम पैच पर ये पूछा गया स्वर कितनी बार प्रोनाउंस किया गया है, इसे ठीक तरह से सुनिए। नमक हलाल के इस गाने के सरगम पैच में लोअर ध, खर्ज का ध कितनी बार गाया गया है? दो बार, तीन बार, चार बार या पांच बार? व्हाट्सएप वीडियो, काइप, जूम या गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन संगीत सीखना और संगीत पाठ करना है बहुत आसान। गाने या बजाने में खटका, मुरकी, मींड, गमक जैसी हरकतें लेने से ही गाना मधुर कहलाता है। आपकी संगीत शिक्षा शुरू करने के लिए एक बार हमसे फोन पर बात कर लीजिए और समझ लीजिए संगीत अभ्यास क्या होता है और आपके सुविधाजनक वक्त में ये अभ्यास आप कैसे कर पाओगे। ये हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है।